जय हिंद दोस्तों, आज 1 मई की सैनिक खबरों में बात करेंगे। ओआरओपी आंदोलन में जेसीओ ओआर और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए हैं ओआरओपी विसंगति को लेकर और भी कई विसंगति को लेकर। इस पर बड़ी अपडेट है, सीएचडी मामला। बता दें, जो सब एरिया कैंटीन में सीएचडी का मामला था, लिक्वर में अफसरों को ज्यादा कोटा दे दिया गया था, उस पर अब अफसरों का हक नहीं, जवानों का हक जवानों को मिलेगा। इस पर बड़ी अपडेट है, सर्विंग रिटायर्ड सैनिकों सैनिक हो जाए सावधान, डीएसपी अकाउंट में आपको बदलाव करना है जो सर्विंग कर रहे हैं या रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो ये खबर है, पुरानी पेंशन योजना, केंद्र नहीं मानेगा कोर्ट की बात। आपको पता है कि कोर्ट ने कह दिया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, वित्त मंत्री का ये कहना है। इस पर बड़ी अपडेट है, ओआरओपी 2, पूर्व सैनिकों से डरा पीएमओ, कमेंट करने पर रोक लगा दी गई है, आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। इस पर बड़ी अपडेट है, बता दें ओआरओपी 2 पेंशन नहीं दी जा रही है। देखें, पीपीओ देखेंगे कि क्यों नहीं पेंशन दी जा रही है। इस पर बड़ी अपडेट है, आर्मी एएससी में सिविलियन के पदों पर भूतपूर्व सैनिक जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकल चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सभी खबरों में। सबसे पहले जो ओआरओपी का आंदोलन चल रहा है, उसमें कई जगह के पूर्व सैनिकों ने हमें वीडियो भेजे, मैसेज भेजे हैं कि हमने इधर इधर जाके धरना दिया है, और इसमें सांसदों को जो ज्ञापन सौंपा है, कई पूर्व सैनिक संगठन है, सभी का नाम बताना मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन झारखंड ने सांसद महोदय को ओआरओपी 2 का ज्ञापन सौंपा और भी अन्य मांगों का, यानी कि 16 जो मांगे हैं उनका ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जो वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट है झारखंड का, इसने पूर्व सैनिक संगठनों ने मिलकर ओआरओपी का ज्ञापन सांसद महोदय श्री जयंत सिन्हा को सौंपा है और अपने सारी मांगों के लिए कहा है कि हम जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे जेसीओ ओआर उनके साथ हैं, वो अकेला नहीं है, सभी देश के पूर्व सैनिक उनके साथ हैं। और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा आह्वान किया गया था कि पूरे भारत में लोकसभा राज्यसभा सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा जाए, और इसमें ज्ञापन सौंपा है झारखंड एसोसिएशन ने। और बात कर लें, दूसरा ज्ञापन सौंपा है जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है पूर्व सैनिक एसोसिएशन ट्रस्ट ने, जो वेटरन्स इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने तेलंगाना स्टेट का है, इन्होंने सौंपा है, और इसमें भी वही 16 मांगे उठाई गई हैं। और ओवैसी साहब ने कहा है कि हम ये मांगे लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे, पूर्व सैनिकों की जेसीओ ओआर के साथ जो विसंगतियां हुई इनको दूर कराएंगे और इस पर सरकार को जवाब देना होगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, बैंक जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लाई, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन जो एम्प्लाई होते हैं बैंक में, उन्होंने भी ओआरओपी में धरने में पूरा सहयोग दिया है और उन्होंने कहा है कि हम जेसीओ जवानों के साथ हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है, अव्यवस्थाओं पर पूर्व सैनिकों का सब एरिया कैंटीन में हंगामा जो हुआ था, उस पर बड़ी अपडेट आ गई है। बता दें, जेसीओ ओआर के कार्ड की गिनती के अनुसार कोटा मिलेगा, यानी कि जो जेसीओ ओआर के जितने कार्ड सब एरिया कैंटीन में चल रहे हैं उतना कोटा जेसीओ ओआर को लिक्वर में मिलेगा। अधिकारियों को सिर्फ अपना ही कोटा मिलेगा, जेसीओ ओआर के कोटे से दारू अपने लिए नहीं रख सकते हैं। जितना जेसीओ ओआर के कार्ड है उनका कोटा मिलेगा, ऑफिसर के जितने कार्ड उसमें यूज हो रहे हैं उतना कोटा ऑफिसर को मिलेगा। तो ये सब एरिया कैंटीन में स्टेशन कमांडर ने ऐसा कहा है कि जेसीओ जवानों का लिक्वर कोटा वही रहेगा और ऑफिसर का वही रहेगा जितने जिसके कार्ड है। दूसरी बड़ी अपडेट है, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना है उसको वापस नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो गलतियां हैं इसको सुधारा जा सकता है, इसमें वापसी का कोई संभावना नहीं है, असंभव है वापस होना। कोर्ट ने कहा था कि इसको वापस किया जाए और जो पैरामिलिट्री स्टाफ है उनको इनको जो कोटा है उसको, जो वन रैंक ओआरओपी नहीं पुरानी पेंशन योजना है इसको लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, और बता दें इसमें सीतारमण ने कह दिया ये असंभव कार्य है, नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी अपडेट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो भी डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं
और रिटायर हो गए हैं या सर्विंग कर रहे हैं, सर्विस करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। डीएसपी अकाउंट होल्डर जो भी हैं, जो रिटायर हो गए हैं, अब उनको पेंशन अकाउंट में अपना अकाउंट चेंज कराना पड़ेगा। चेंज कराने के लिए उनको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके उनको कहना है कि हमारा डीएसपी अकाउंट है, इसको पेंशन डीएसपी अकाउंट करना है। पेंशन डीएसपी अकाउंट के कोड अलग होते हैं, तो ये लेटर भी जारी किया गया है, 10 अप्रैल का लेटर है। इस लेटर में आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, अब कमेंट नहीं कर सकते हैं ओआरओपी पर। एक वीडियो था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ओआरओपी स्कीम पर बात कर रहे थे, फरीदाबाद की रैली में, 7 साल पुराना वीडियो है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था प्रीमेचर वालों को भी ओआरओपी का लाभ मिलेगा और ओआरओपी का लाभ सभी को दिया जाएगा। तो इस में जो भूतपूर्व सैनिक है कमेंट कर रहे थे, कमेंट के बाद इसको कमेंट का ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं कमेंट आर टर्न ऑफ। पीएमओ इंडिया के जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये कमेंट ऑफ कर दिया गया है। कमेंट ऑफ करने का कारण यह है कि पीएम मोदी ने कहा था प्रीमेचर वालों को लाभ मिलेगा ओआरओपी का, और प्रीमेचर वालों को ओआरओपी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जैसे ओआर कमेंट करने लगे, जबरदस्त कमेंट किए, उसके बाद ये कमेंट का जो ऑप्शन है इसको ही टर्न ऑफ कर दिया। यानी कि आप अब ओआरओपी पर कमेंट भी नहीं कर सकते हैं पीएमओ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक पेंशनर है विद्याधर नायक, जिनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिला है। पीपीओ में एक जानकारी दी गई है, इन्होंने 15 साल सर्विस की थी और इसके बाद जो इनकी बेसिक बननी चाहिए 28,552 रुपए बन रही, इनको मिल रही है, लेकिन इनको 30,930 रुपए बनना चाहिए। और इनको जो पीपीओ जारी हुआ है, पीपीओ में दिखा देता हूं, पीपीओ में ऐसी जानकारी दी है कि इनकी जो पीपीओ के आधार पर इनकी जो बेसिक बननी चाहिए 21,782 रुपए बननी चाहिए ओआरओपी के हिसाब से, ओआरओपी 2 के हिसाब से, लेकिन इनको 20,107 मिल रही है। यानी कि सीधा सीधा इनको नुकसान है, और जबकि इसमें जानकारी भी दी है कि ओआरओपी 2 के बाद इनके जो नई बेसिक होनी चाहिए थी 21,782 होनी थी, लेकिन इनको अभी भी 20,107 मिल रही है। तो ऐसे ही पीपीओ में गड़बड़ी आ रही है, तो इन विसंगतियों को कैसे दूर होगा किया जाए, इसी पर जेसीओआर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है, आर्मी एएससी में वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें सैलरी है 18,000 से 69,000 रुपए तक, और इसमें जो आयु सीमा है 18 से 50 साल तक के भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, एलडीसी, गार्ड्स और फायरमैन की वैकेंसी है, 236 वैकेंसियां हैं। एक्स सर्विसमैन का 10% कोटा है, और बता दें जो वैकेंसी इसमें ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जॉब से संबंधित अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।